मतलब ये ऐसी जगह है यहाँ पे आपने ऑलमोस्ट पूरा दिन निकाल। एंड ये वो स्पॉट जहाँ पे और राफ्टिंग भी हो रही है यहाँ पे, तो ठीक है लोग देखो कितनी हाइट पे है यहाँ पे। नीचे की तरफ ये देखो। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। आज हमारा दूसरा दिन है उत्तराखंड में और आज की शुरुआत भी हमारी हल्द्वानी से होती है, क्योंकि पहाड़ों में ज्यादा अंदर तक हम लोग जा नहीं सकते, उसकी वजह है भारी बारिश और लैंडस्लाइड। फिर हमने प्लान किया कुछ आसपास इंटरेस्टिंग एक्सप्लोर करने का, ताकि उसे देख के दिल खुश हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये अच्छा ही चीड़ के पेड़ नहीं है ना, तो बड़ी अच्छी हरा भरा दिख रहा है पूरे जंगल वगैरह। ये कोटा बाग का रास्ता, मतलब ये गांव ऐसा है पूरा शहीदों का ही गांव है, और सबसे ज्यादा शहीद इसी गांव से हुए हैं। और अंदर जाओगे तो कोटा बाग में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भयंकर कहीं गांव में आए हैं, बिल्कुल शहर की तरह बना रखा है पूरा। अच्छा हाँ, सारे आर्मी पर्सन है वहाँ, और जितने शहीद हुए आधे ज्यादा इसी गांव के हैं कोटा बाग के। बहुत अच्छी रोड है रोड ट्रिप करने के लिए, मजा आया यहाँ पे गाड़ी चलाने में। कहीं ना भी जा रहे हो ना तो भी बस ऐसे ही रोड ट्रिप ट्रेवल करते रहो। रामनगर यहाँ से अब 26 है, और ये जो पूरे जंगल देख रहे हो ये रामनगर के जंगल है। दो दिन से हम लोग अपनी गाड़ी लेके नहीं चल रहे, क्योंकि गुड्डू भैया की जो गाड़ी है वो है उत्तराखंड की लोकल यहाँ पे, और हमारी हरियाणा की है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होती है। अगर बाहर की गाड़ी है तो पुलिस वाले आपको कहीं पे भी हाथ देके रोक सकते हैं। क्योंकि हमारी उत्तराखंड नंबर की कार थी, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई कॉर्बेट नेशनल पार्क एंट्री पर। बाकी रिजोर्ट तो भाई साहब अल्टीमेट है यहाँ। इसी तरफ तो ये शूटिंग होती है स्प्लिट्स विला वगैरह की, रोडीज वगैरह की कितनी बार शूटिंग हो चुकी है, और नदी के किनारे हैं स्पेशली, तो इतने रिजोर्ट जो नदी के किनारे वहाँ फिल्मों की शूटिंग हो जाती है, पर हमें पता नहीं होता ना, वो तो बाद में कोई बताता है कि यहाँ शूटिंग हुई है वहाँ। जिसका डर था वही हो गया। कल वाली बारिश लग रही है उतनी तेज लग रही है, जैसे जो और ऊपर जाते जाएंगे मुझे लग रहा है और ज़्यादा बारिश होगी इस मंदिर पे। ऐसा क्यों? यहाँ से आते हुए भी जाते हुए मान्यता है यहाँ पर एक्सीडेंट ना हो करके। अच्छा। तब बनाया ये मंदिर, बहुत एक्सीडेंट होते थे पहले। तो ये पीछे गर्जिया मंदिर था, और इसकी मान्यता ये है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ से आते जाते हैं वो यहाँ पे गाड़ी जरूर रोकते हैं अपनी, और स्पेशली बसेस वगैरह में। दीपा बता रही थी कि मतलब पंडित जी जो थाली में आरती होती है वो सब पैसेंजर के सामने घुमाते हैं, एंड तो ये मान्यता है यहाँ की, ताकि जो जर्नी है उनकी सेफ रहे, बस ये है। और जो मेन गर्जिया मंदिर है वो नीचे की तरफ है अंदर जंगल में, ये एक और मंदिर है, इसको भी गर्जिया ही बोलते हैं, बट ये मेन रोड में है। तो आपको माउंटेन्स में असली ग्रीनरी देखनी है ना, तो मॉनसून के टाइम में जरूर आना, बट हाँ ज्यादा डीप तो मत जाना क्योंकि फिर लैंडस्लाइड वगैरह होती है। बट ये कॉर्बेट वाला एक अच्छा सेफ जोन है, यहाँ पे मॉनसून के टाइम में आ सकते हो और बहुत ग्रीनरी। गर्जिया की पार्किंग हम लोग पहुंच गए, लेकिन जैसे ही ये पार्किंग में पहुंचे गाड़ी ले गए और बारिश स्टार्ट हो गई, काफी तेज बारिश हो रही है। तो अभी वेट कर रहे हैं कि थोड़ी बारिश कम हो जाए तो निकलते, कैमरा मुझे यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। उसकी स्टोरी बता रहे थे गुड्डू भैया कुछ। हाँ बताओ, वो पत्थर बह के आया था, बहुत बड़ी चट्टान है वो। आज तक ऐसा हुआ है कि इतनी ज्यादा पानी भी आया तब भी ये बह के नहीं गया, ना टूटा है कहीं से ना रिपेयर करना, बस गंदगी होती है तो सफाई करनी पड़ती है, अगर पानी ज्यादा हो जाता तो मंदिर तक पहुंच जाता है। तो भी थोड़ी बारिश कम होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन गर्जिया यहाँ पे बहुत पॉपुलर मंदिर है। जो भी रामनगर और कॉर्बेट वाला जो एरिया ना यहाँ पे आते हैं तो टूरिस्ट आपको यहाँ पे सारे देखेंगे। पार्किंग ऑलमोस्ट फुल है यहाँ पे, कुछ प्राइवेट पार्किंग भी है, और दूर पे जो एंट्री गेट है वहीं से आपको लोग गाड़ी खड़े करते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक आते आते उनका बहुत टाइम हो जाता है, वहीं गाड़ी खड़ी करके वो लोग बाय वॉक आ जाते हैं। लेकिन अगर आप इस एरिया में आ रहे हो तो जरूर विजिट करना गर्जिया मंदिर। सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो ये पूरा रूट है ना, रोड ट्रिप करने में आपको बहुत मजा आएगा वहाँ पे। मुझे तो लगा बारिश कम होगी तो और ज्यादा तेज हो गई है, जाएंगे तो गीले हो गए, बिना गीले हुए तो नहीं पहुंच पाएंगे। पार्किंग से शेल्टर बता, यहाँ तो पहुंच गए, लेकिन अब यहाँ से मेन कहाँ किस साइड है मंदिर? अभी तो वहाँ पर आगे की तरफ है, इस साइड से राइट हैंड साइड में जाना ना। मैं तुम कहाँ खतरों खिलाड़ी बन रही हो, कहाँ जा रही हो? वैसे पहुंच जाएंगे बीच बीच में ना, वो है इस टाइप के त्रिपाल टाइप के। छाता देख रहे हो क्या? मतलब खाली फायदा नहीं है लेने का। ये मंदिर की मेन एंट्री, तो इस मंदिर की पॉपुलरिटी आप देख सकते हो कि इतनी बारिश होने के बावजूद यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं दर्शन के लिए, और उसकी अपनी कहानी भी है गिरजा मंदिर की, तो वो एक पॉपुलरिटी है, लोग देखना चाहते हैं कैसे एक पत्थर आके नदी के बीच में गिरा, और अभी तक कितना भी बारिश का पानी आए वो वहीं का वहीं स्टे कर रहा है। गाइस ये रहा वो मंदिर गिरजा, ये पुल बना रखा है क्रॉस करने के लिए, और ये नदी के बीच को कह रहे हैं ना पत्थर आया, तो ये देखो ये वो पत्थर है, ऊपर मंदिर बनाया गया है।
और इसको पूरा कवर करने के लिए बेस यहाँ पे सीमेंटेड दिया। फ्लो देखो पानी का इस टाइम पे, क्योंकि मानसून का टाइम है तो नदी का फ्लो ऐसे बन गया है। ये पूरा नदी का फ्लो देखो, इस साइड लोग नीचे की तरफ गए हैं, स्नान वगैरह कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, एंड टेंट्स वगैरह लगे हुए शायद मेरे ख्याल से मैगी पॉइंट्स और शॉप्स हैं। ऐसे ये पक्की शॉप्स नहीं है सारी, ये झोपड़पट्टी टाइप की हट्स वगैरह बनी हुई हैं। ये यहाँ से लाइन स्टार्ट हो गई लोगों की और ये पूरा ऐसे करके ऊपर तक फूल है। वैसे शूज़ वगैरह आप यहाँ पे उतार सकते हो, लेकिन हम लोगों ने जो हट्स बनी हुई वहाँ पर उतार दिया, तो क्योंकि सेफ लग रहा था ज़्यादा, यहाँ से तो कोई भी उठा के ले जा सकता है। एंड ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये जब बहुत ज़्यादा फ्लो आता है तो ये इस जगह पे पूरा पानी आता है और ये एरिया बंद हो जाता है। दुकानें वगैरह जो जितनी देख रही हैं यहाँ पे, लोग कुछ भी नहीं दिखता, पुल से आपको नीचे उतरने नहीं देंगे। और ये है मंदिर के कुछ आसपास का व्यू, बहुत ऊँचे पहाड़ नहीं है लेकिन लश ग्रीन बोलते ना जैसे, वो दिख रहा है, बहुत अच्छा व्यू दिखता है यहाँ पे। मतलब ये ऐसी जगह है यहाँ पे आप ऑलमोस्ट पूरा दिन निकाल सकते हो, इतनी इतनी प्यारी जगह है यहाँ पे। सीधे खड़ी चढ़ाई पूरे मंदिर, क्योंकि ये पत्थर के ऊपर बना हुआ है। वो लोग देखो कितनी हाइट पे है यहाँ पे, नीचे की तरफ ये देखो, लोग ही गर्दनों के अलावा कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे। यहाँ से बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है यार, चढ़ते हुए इतना फील नहीं हो रहा था लेकिन उतरते हुए ना बहुत स्लिपरी है, अब डर लग रहा है यहाँ से उतरते हुए। तो यहाँ पे प्राचीन शिव गुफा भी है जिसे भैरव गुफा भी कहते हैं। मंदिर दर्शन करने के बाद जल्दी सारे लोग यहाँ पे गुफा में दर्शन भी करते हैं, तो हम लोग भी होके आए थे। माता का मंदिर होता है वहाँ पे, भैरव मंदिर भी जरूर होता है, वो कहते हैं कि जब तक आप भैरव मंदिर नहीं जाते तब तक तो जो आपकी यात्रा है वो पूरी नहीं हुई है, इसलिए हम लोग पहले माता का मंदिर गए जो ऊपर की तरफ है, उसके बाद भैरव मंदिर गए। ये तो और राफ्टिंग भी हो रही है यहाँ पे, तो है राफ्टिंग भी होती है यहाँ पे, वो देखो राफ्टिंग कर रहे हैं मंदिर कर रहे हो। और एक चीज़ देखिए, तुमने ध्यान दी वहाँ से, देखो दो कलर के पानी आ रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है उस साइड से, इस साइड से साफ पानी आ रहा है। एंड ये वो स्पॉट जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे मंदिर के बाद, क्योंकि जितने भी मंदिर के दर्शन करने के बाद ये जगह है सबसे अच्छी, यहाँ पे स्नान वगैरह करते हैं, मतलब एक टाइप से कह लो ये दूसरा गंगा घाट हो गया। क्या हुआ? इन्होंने मेरा फोन तोड़ दिया आज, इन्होंने मेरा टेम्पो मेरा फोन तोड़ दिया, देखो क्या क्या हालत कर दी मेरे फोन की। अब आपको मुझे यही टेम्पो लगवा के फिर जाना उत्तराखंड में लगाना पड़ेगा आपको मेरा नया टेम्पो ही देना। ठीक है, मुझे लगा कहीं ऐसे बोल रहे यहीं से फोन नया फोन दिलवा के दो मुझे। नहीं भाई, टेम्पर्ड पे बात होगी, पहले वही टेम्पर्ड लगेगा। तो हम लोग रील्स वगैरह ले रहे थे, रील्स भी सेल्फी ले रहे थे, तो इतने में सेल्फी स्टिक से मैंने कैमरा ऐसे नीचे किया तो उतने गिर गया और कांड हो गया उसके। आई होप कि सिर्फ टेम्पर टूटा हो। तो कैसा लगा गर्जिया मंदिर? मुझे अच्छा लगा, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे लाइफ टाइम आपको एक बार तो जरूर जाना चाहिए, उसमें से गिरजा मंदिर होता है, बहुत अच्छी जगह, अच्छा मंदिर है, अच्छी लोकेशन में है, इतनी बड़ी नदी और इतनी अच्छी नदी बहती है, यहाँ पे राफ्टिंग होती है यहाँ पे। तो अगर आप मंदिर विजिट करने के बाद राफ्टिंग भी करना चाहते हो, एक्टिविटी करना चाहते हो, तो राफ्टिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। और राफ्टिंग ना भी करो तो स्नान करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, बट ये ध्यान रखना कि मानसून के टाइम पे ज़्यादा बीच में मत जाना। फोटो वगैरह खिंचा रहे थे, मैंने एक अनाउंसमेंट भी सुनी थी कि कितने भी लोग वहाँ पे स्नान कर रहे हैं नदी में, वो 3:45 तक ही करें, 3:45 के बाद स्नान करना बंद हो जाएगा वहाँ पे। बट आई एम नॉट श्योर कि ये पूरे साल यही टाइमिंग रहती है, क्योंकि अभी मानसून का टाइम है तो शायद जल्दी बंद कर देते होंगे, क्योंकि शाम को फ्लो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है नदी का। लेकिन यहाँ पे गिरिजा देवी मंदिर के बारे में लिखा होगा, तो पहली चीज़ यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ, मुझे लगा ये रामगंगा नदी है बट ये कोशी नदी है। और ये जो पहाड़ आप बता रहा था कि जो नदी के बीचों बीच है, वो उसकी हाइट 100 फीट लिखी है। कहा जाता है ये मंदिर प्राचीन काल महाभारत के समय से यहाँ पर है, तो आप सोच सकते हो कितना पुराना इतिहास रहा है इस प्रसिद्ध मंदिर का। अच्छी जगह थे, आना चाहिए सबको एक बार। और एक नुकसान भी हो गया, ये तो छोटा मोटा सुनना पड़ेगा और जिंदगी भर। मेरे से आज तक मेरा फोन नहीं टूटा, लेकिन तुम्हारे पास गया तो तुमने मेरा फोन भी तोड़ दिया क्योंकि मैं अपना तो तोड़ चुका हूँ एक बार। तो पहले मुझे लगा सिर्फ टेम्पर्ड गया, लेकिन वो स्क्रीन चली गई, लेफ्ट साइड में पूरी ब्लैक लाइट दिख रहा है। यहाँ पे ना टूरिस्ट के लिए हाथी ऊंट घोड़े सब रखे हुए, ताकि थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं उसे करवाते हैं जो बैठा के सवारी,
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चैनल में फर्स्ट टाइम आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो।